अच्छा सर, मैंने अभी गाना एक गा रही थी, बहुत सुंदर। नहीं, पीछे भी चालू हो गया ना? चालू तो बहुत है ही। हेलो माय आर्मी, सबके साथ फटाफट से बता दो, मुझे देख सकते हो एंड सुन सकते हो? एवरीवन लेट मी सी इन द चैट सेक्शन, राइट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक मिनट चैट्स आपके ऑन की जाएं। ओके, ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ। तो इस 1 मिलियन वाले सुपर ओकेजन पे जाइए, आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। हेलो एंड गुड इवनिंग। यस, वॉइस प्रॉब्लम? ओहो, रुको रुको। चलो अब बताओ मुझे, जल्दी से बता दो बच्चे, अभी क्या सब मुझे सुन सकते हैं, देख सकते, आई मीन सुनाई दे रही है? अभी इट्स क्लियर? अभी इट्स क्लियर एवरीवन? सर बताएंगे? लेट मी सी। परफेक्ट परफेक्ट, यस क्लियर, ऑसम। ये ना इसको कहते हैं अपना गुड लक चार्म। ये किसी भी अपनी ग्रैंड सेशन से पहले होना मांगता है, बॉस होना मांगता है, राइट? तो जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। हेलो एंड गुड इवनिंग। अब तो सबके सब बच्चे सुन सकते हैं, है ना? यस यस यस, परफेक्ट। तो चलो, ऑसम। तो मैं देख रही हूँ बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। एंड जैसे कि कई बच्चों ने मुझे लिखकर बोला कि सर को जल्दी से दिखा दो, मैम जल्दी से दिखा दो ना। बिल्कुल दिखाएंगे दिखाएंगे, बुलाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा आज स्पेशल स्पेशल चीज है, ठीक है? We are celebrating 1 million, समझ रहे हो ना, subscribers? तो I guess everybody, each one of you is super duper duper super happy. कई बच्चों के comments मेरे को, मतलब पिछले कितने दिनों से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैम सच में ऐसी feeling हो रही है जैसे हमारी family है जो 1 million की पहुंची है, जैसे हमारी personal achievement है जो ये हुई है, which is absolutely an amazing amazing thing. शुक्रिया दिल से इस नाचीज को कुछ चीज बनाने के लिए, right? ये एक platform देने के लिए जिसके जरिए आज तो आई गेस हम लोग कह सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों बच्चों, मतलब 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को, दिलों को छुआ है, राइट एवरीबडी? एंड ऑफकोर्स होने वाला है आपका गिव अवे भी, तो धीरे धीरे सारे राज खुलते चलेंगे। पहले पहले मिस्टर इंडिया को भी बुलाएंगे। इनफैक्ट आज बच्चों ने कहा कि मैम अपने स्टूडियो की लाइट्स कर लेना लाल लाल। आपको पता है सर क्यों? क्यों मैम? क्योंकि मिस्टर इंडिया सिर्फ लाल लाइट में दिखते हैं। अच्छा, ऐसा ही है। एनीवे, तो आज यार सुबह मैंने एक इनफैक्ट यू नो एक पोस्ट भी डाली थी, ठीक है, जिसपे मैंने बोला था कि बॉस आप मिस्टर इंडिया से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल लिख सकते हैं उन्हें चैट सेक्शन में। एंड यहाँ 650 से ज़्यादा कमेंट आए, सवाल आए, तो उनमें से कुछ मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ, एंड होने वाली है बहुत सारी मस्ती धमाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सर ने तो बेटा बोल दिया है, सर ने तो बेटा बोल दिया है कि यहाँ पर आज तो लाइक मांगता। मतलब सर ने बोला कि मैम 10 लाख से ज़्यादा के चैनल पे 10,000 लाइक्स तो बनते हैं, बॉस बनते हैं कि नहीं सर? 1% जस्ट 1%। ये देखो यहाँ भी मैथमेटिकली इंक्लाइंड एवरीबडी। लेकिन आप उससे पहले ये बताओ मुझे, डिड यू सब्सक्राइब टू इंडियाज मोस्ट लव्ड मैथ चैनल ऑन यूट्यूब? मैं ये कभी ना कहती थी, ना कहती हूँ, ना कहूँगी कि भैया हमारा सबसे बड़ा चैनल है, ये है वो है, हम बेस्ट पढ़ाते हैं। नहीं,
ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैथ को फन बनाया जाता है. दैट इज वाई इट इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लव्ड मैथ चैनल. तो पहले केक बुलाएं या पहले सर को बुलाएं? कम ऑन, लेट मी सी इन द चैट्स. पहले केक. ऐसा तो छुट्टी में है. अच्छा, आप सर के हमशक्ल हैं? बिल्कुल मैं. तो ठीक है, सर को बुलाया जाए या केक को बुलाया जाए या दोनों को एक साथ बुलाया जाए? एवरीबडी एवरीबडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन माय आर्मी. आज थोड़ा तो सस्पेंस बनता है ना बॉस, है ना? वैसे यू नो, जब ये चीज़ हमने सोची थी, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सर बिना दिखे भी इतनी बड़ी रेज बन जाएंगे. यार सर, हैट्स ऑफ, है ना? चलिए, ज़्यादा नहीं हो गया तो कम कर देते हैं. अच्छा सर, ठीक है, आ जाना अगर मन करे तो. सर 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 सर, आपको तो बच्चों ने सर पर बिठा लिया है. एंड आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स एंड आज करेंगे बहुत सारे अमेजिंग मैथमेटिकली इंक्लाइंड मग्स का गिव अवे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले मैं बता दूँ, उसके बाद बुलाती हूँ सर को भी. 10 कप्स वी आर, 10 मैथमेटिकली मग्स वी आर गोइंग टू गिव अवे. लेकिन इसको व्हाट यू से, जीतने का तरीका या क्या एग्जैक्टली हम बोलेंगे, बेसिकली आप सबसे पहले कमेंट करने वाले हो वीडियो के नीचे क्या कि आई एम नेहा मैम्स आर्मी बिकॉज, एंड जो भी दिल से आपके सबसे पहले शब्द निकले, आई एम नेहा मैम्स आर्मी बिकॉज. सोचो सोचो, ठीक है. चलिए सर, एक काम कीजिए, आप केक ला दीजिए क्योंकि रिवील तो बेटा सर बोलते हैं कि सर बाहर रखा है मैंने, है ना? बच्चों, ये केक हुआ करता था. बेटा इसके साथ ना एक हादसा हो गया जरा आज. ये देखो, बच्चों, हाँ, और ये 1 मिलियन भी मुझे फिर खुद ही लिखना पड़ा. ठीक है, इसके साथ क्या हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ. सर आप भी सुनिए, मैं इसको ना यहाँ पे रख देती हूँ पहले. ये ऐसी लाचार बेकार कंडीशन में क्यों है? एक्चुअली ना मुझे लगता है कोरोना से बहुत ज़्यादा डर, समझ में आ रहा है? मतलब लिटरली लिटरली जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वाला डर लगता है. तो मतलब मैं कोई भी खाने की चीज़ ना बाहर से मंगवाती नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं उसको धो सकूँ. आर यू गेटिंग इट सर? आपने केक को धो दिया क्या मैम? नहीं, केक केक को धोया नहीं सर. और फिर दूसरी मैंने चीज़ पढ़ी कि यार केक को धो नहीं सकते तो और क्या काम कर सकते हैं. तो मैंने सोचा हाँ, हम लोग केक को ना, मतलब हम ना खाने की चीज़ को अगर गर्म कर दें, है ना, तो तब भी वो हो सके. या तो धूप में रख दें या गर्म कर दें तो उस अगर कुछ ऐसा हो तो खत्म हो जाता है. तो बेटा केक पे दया करो मैम, आप क्या कर रहे हो मैम, केक को बुला के धूप पे रख रहे हो? नहीं नहीं सर, धूप में नहीं, इवन बेटर, मैंने इसको ना गलती से माइक्रोवेव कर दिया और वे 30 सेकंड के बाद इसका ये हुआ, इसका ये हालत हो गई बेटा. मतलब केक का RIP हो गया लिटरली, बट कसम से बोल रही हूँ टेस्ट में वैसा ही होगा, है ना सर? आप चाकू क्यों नहीं ले आते और फिर खुद भी क्यों नहीं आ जाते? बेटा केक का ही हैप्पी बर्थडे कर दिया आज हमने, बट इसे कहते हैं कोरोना का खौफ. तो डर तो बहुत है, है ना? और अब उतना टाइम भी नहीं बचा था कि मैं एक दूसरा मंगवा पाऊँ, क्योंकि यही कर दिया था. कोई बात नहीं, फिर नेहा मैम ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और उसके ऊपर 1 मिलियन खुद लिखा. इसका बेटा मतलब एक मीटर नहीं है, 1 मिलियन ही है. भावनाओं को समझो, क्योंकि सब बह चुका था माइक्रोवेव करने के बाद. राइट, चलिए. तो यहाँ पे ना ना, हमें 10,000 लाइक दिख ही नहीं रहे. सर मत आओ, सर जाओ. ओके मैम. सर मत आओ. अरे मैम, मैं तो आ गया था ऑलमोस्ट. अच्छा, चाकू दे दो, आप जाओ. अरे मैम, मैं आ गया था ऑलमोस्ट. नहीं नहीं सर, आप रहने दो, आपकी जरूरत नहीं है, है ना बच्चों? आज से इसको काटेंगे? नहीं काटे, अभी नहीं काटे. अच्छा चलिए, कोई बात नहीं. वैसे ये केक में बहुत रायता फैल चुका है बेटा, ये चॉकलेट का रायता बन चुका है इस वक्त. राइट, सर को बुलाया जाए. Come on guys, smash that like button right now. चलो चलो चलो, come on चलो. ऐसे likes तो कभी नहीं बने, white surprise. सर ये देख लो, ये आपका ही वो है. और यहाँ पे देख लो सर, देखो किताबें ultimately use हो रही हैं केक को उसकी position पे पहुँचाने के लिए. Okay, केक दिख रहा है, केक दिख रहा है, केक दिख रहा है. Finally yes, wow, finally yes. Okay. तो इस केक को भी काटेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें? We want sir. Making me nervous, इतने सारे likes. इतने सारे लाइव वॉचर. सर ऐसा ही है भाई, आप अब सुपरस्टार बन चुके हो तो हम क्या करें, है ना बच्चों?
है ना बच्चों? चलिए ठीक है, सो 100 मोर लाइक्स टू गो एंड लेट्स जस्ट स्मैश दैट. चलिए सर, मेरे ख्याल से ना बच्चों को और तड़पाया ना ही जाए और आपको बुलाया जाए, इसको मैं नीचे कर देती हूँ. तो प्लीज क्या करें, स्वाग से करते हैं सर का स्वागत. टण 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 टण. तो ये है यार आपके, एक मिनट माइक देते हैं आज आपको सर. तो ये है आपके वो सर जो आज तक थे पर्दे के पीछे. तो यार स्वागत तो करो मिस्टर इंडिया का. सर आप बच्चों को हेलो हाय तो बोल दो. हाय हाय पीपल, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस. भाई सर, अरे मैम पहली बार कैमरा के आगे आया हूँ. तो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे है ना, पीछे से तो बहुत हैप्पी बर्थडे होता था मैम का, है ना? तो आपको कैसा लग रहा है इतनी चकाचौंध में आके इतने सारे बच्चों को देख के, मतलब नॉट लिटरली देख के, उनके कमेंट्स देख के? मैम ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई कोई खास बड़ी बात नहीं है. 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सर एक बात कह दूं, कैमरा वहाँ है. अच्छा वो राइट. तो हेलो हाय बोल दो, पहचान लो सर की आवाज. सर एक गाना वाना सुना दो. नहीं मैम गाना नहीं हो पाएगा, सॉरी. ना हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं. ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हम भी पूछेंगे. और मैंने मैम 1 मिलियन का नंबर इसलिए दिया था, मुझे लगा रहे अभी तो बहुत टाइम है 1 मिलियन होने में. तो यार कई बच्चों के ना ये मैसेज भी आया जो उन्होंने कहा, सर आप यहाँ पे आ जाइए, हाँ वरना फ्रेम से फिर बाहर निकल लेंगे. ओके, सो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया कि आपने अभी तक सर को क्यों पीछे छुपा के रखा था या एनीथिंग लाइक दैट. तो बच्चों एक इसका वैसे मैं जवाब दे दूँ, आई एम श्योर सर भी बताएंगे कि इट वॉज़ नेवर प्लान्ड. ठीक है, जो हमारी टीम है यू नो इस वक्त आई थिंक 4 लोग हैं और हमारे साथ, सो दे आर ऑल रिमोटली देयर. ठीक है, सो यू नो कोई बैंगलोर से काम कर रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से काम कर रहे हैं, लास्ट आई थिंक मुंबई से भी काम कर रहे हैं, है ना? तो कभी भी सर सिर्फ हैं जो दिल्ली में हैं, है ना? तो अब सर का क्या है, वो पीछे से कुछ कुछ यू नो ही यूज टू गिव आइडियाज, अ लॉट ऑफ इनपुट्स. तो ये सब देख के ना बच्चों के अंदर ये हाइप क्रिएट हो गई कि इस पीछे पर्दे के पीछे वाले सर को बुलाओ, कैमरा के पीछे वाले सर को बुलाओ. एंड इसी तरह बेटा हो गया नाम सर का, समझ रहे हो ना? ठीक है मिस्टर इंडिया. तो आइए मिस्टर इंडिया जी, और आपसे ना मैं सबसे पहले तो देखो आपके सवाल भी लेंगे हम, लेकिन उससे पहले लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, सेशन एंड से होने से पहले मुझे 20,000 देखने हैं, मैं नहीं खेलूंगी वरना. ओके तो सर कई बच्चों ने ना कई सवाल पूछे, तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ. सर योर वॉइस इज सो सूदिंग, ये सवाल है डी साई दिव्या रेड्डी का. सो सर योर वॉइस इज सो सूदिंग, इट काम्स मी एवरी टाइम. सो काफ़ी काफ़ी जादू आपने चलाया हुआ है बच्चों पे. बाय द वे हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग विद नेहा मैम, ये कई बच्चों का सवाल है, एक मैंने आई थिंक रैंडम पिक किया है. तो बच्चों एक्टिवली मैं इस चैनल से लास्ट ईयर से ही जुड़ा हूँ. सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो नेहा मैम हैज़ ऑल्सो बिकम क्वाइट एक्टिव इन द लास्ट 1 ईयर ओनली. तो तब से बिकॉज मैम को फिर काफ़ी ज़रूरत थी, शी नीडेड हेल्प. Yeah. Because you know times have changed and the way she has been taking all these long sessions. Right. So last year से मैं मैम के साथ काफी actively जुड़ गया था. बिल्कुल. That I guess answers your question. Okay sir. अगला interesting सवाल है, sir, would you like to teach us on mathematically inclined channel? If this will happen, then it's really, really great and awesome. ये सवाल है रंजना जी का, ये सवाल है मनीषा रानी का, बहुत सारे बच्चों का कि क्या सर आप मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे सेशन लेना चाहते हो? बच्चों देखो मैम इज़ अ क्वालिफाइड टीचर एंड आई थिंक फंडामेंटल्स की पढ़ाई तो मैम पे ही छोड़ दी जाए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. बट एज फार एज आई एम कंसर्नड, आई एम एन इंजीनियर, यू नो आई हैव बीन अ मैथमेटिशियन बाय हार्ट. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का सेशन अगर कभी मौका मिले और मैम अगर कभी हम ऐसा सोचें, मतलब इफ मैम अलाउज राइट एंड इफ नीड बी देन आई कैन सर्टेनली टेक दोज सेशंस मैम. एब्सोल्युटली. तो सर ने हरी झंडी दे दी है, बाकी आप लोग बता देना हाउ मच यू वांट दैट. एंड आई गेस सर ने इसी के साथ जो कई बच्चे सवाल पूछते हैं आपके बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़े लिखे भी हैं? बिल्कुल मैम बच्चों आई एम अ क्वालिफाइड, नॉट अ क्वालिफाइड टीचर बट आई एम एन इंजीनियर एंड MBA. अच्छा जी. अगर MBA करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की मैम? इंजीनियरिंग करनी थी तो MBA क्यों की, बता दीजिए सर, आज तो राज खोल दीजिए. मैम मेरे पापा इंजीनियर हैं तो बस फिर मेरे साथ भी वही हादसा हुआ जो इंडिया के बहुत बच्चों के साथ होता है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा. बिल्कुल मैम. तो मतलब मुझे ये पता था कि
ये नहीं पता था कि इंजीनियर कैसे होते हैं या क्या करते हैं, बट मुझे ये पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है. शायद इसका रीज़न ये भी था कि मेरे पापा इंजीनियर हैं एंड ही वॉज वो असली वाले इंजीनियर हैं. मैम जब इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे और जेन्युइनली इंजीनियरिंग की पढ़ाई को इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरह ट्रीट किया जाता था. ओके. तो वो इतने रिसोर्सफुल थे राइट कि कुछ भी घर में फिक्स होना है तो ही विल बी एबल टू डू इट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या कुछ भी है जी. राइट तो जैसे आई कैन टेल यू जब हमने पहली कार ली मैम जी, तो उसके सीट कवर्स भी उन्होंने सिले. ही कुड एंड ही वाज ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेल प्रोफेशनली आल्सो, सो ही वाज सो मल्टी टैलेंटेड. तो मुझे ये लगता था कि यार ये इंजीनियर क्या कमाल के लोग होते हैं. राइट राइट जी. ऑसम सर. वैसे आपकी नीली टी शर्ट का है, बच्चों ने तो मैक्सिमम नीली टी शर्ट. एक बात बता दूं सर, आपको कलर वलर पता चलते हैं? अरे मैम ठीक है ना, चलने दो ना, नीले के आसपास ही है. बच्चों अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये रेड और ब्लू का मिक्स है. क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड. वरना सर तो बरगैंडी, पिंक, मजेंटा, सबको लाली बोलते हैं, तो कह रहे हैं आज रेड और ब्लू का मिक्सचर है. क्या बात है. बच्चों इजी वे आउट में ये बोलता हूँ कि आई एम कलर ब्लाइंड, बिकॉज मैं शायद मैम इतना ज़्यादा कलर्स को नहीं पहचानता. राइट ओके. हार्दिक का बहुत ही मज़ेदार सवाल है, डज नेहा मैम स्कोल्ड यू फॉर एनी मिस्टेक्स? बच्चों मैम की एक खासियत तो है कि मैम ना स्टेज काम इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन. सो ये चीज़ उन्हें शायद अपने पापा से मिली है, क्योंकि जब भी मैं उनको कभी मिला हूँ तो वो भी यू नो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में ही ऑलवेज स्टेज काम. और मैम में भी वही चीज़ मुझे बहुत दिखाई देती है. राइट, सो शी हैज़ गॉट अ वेरी कामिंग इफेक्ट. अब जैसे परसों का एग्जाम्पल लूँ तो परसों मैंने गलत इवेंट को गो लाइव कर दिया था. हाँ, ये आज वाला इवेंट. जी जी जो जी था. जी राइट. तो मैम वॉज ओके अबाउट इट. Right. हाँ, मतलब मुझे याद है सर ने बोला अरे मैम सॉरी गलती हो गई, मैंने मतलब इवेंट यू नो कुछ का कुछ चला दिया. तो मैंने बोला यार लाइफ ना, लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत हादसे हो जाते हैं, ठीक है, ये तो एक छोटा सा एरर था, हो गया, ख़त्म करो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो. समझ में आ रहा है. सो ऑसम. तो चलिए सर, अब अगला सवाल ये है कि पर्दे के पीछे तो बहुत, ये मेरा सवाल है जी. पर्दे के पीछे तो आपने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है, पर्दे के आगे क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट अपने कॉलेज लाइफ से, अपने स्कूल लाइफ से शेयर करना चाहते हो जिससे मतलब आपको सच्ची में लगा यार हाँ यार ये लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, कुछ आप सोच सकते हो? मैम मैं कुछ इंसिडेंट सोच के भी आया हूँ, और शायद मैम ये इंसिडेंट्स मैं कई बार कोट भी कर चुका हूँ अपने आसपास के लोगों को कि मैम ड्यूरिंग माई MBA डेज, बच्चों मैं हमारे आई डिड माई MBA फ्रॉम अ फेयरली गुड कॉलेज, तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा. तो हमारे इंटरनल एग्जाम्स में बच्चों चीटिंग बहुत होती थी. राइट, तो हमारे टीचर्स आके ये बोलते थे कि जो भी करना है चुपचाप करो. राइट, सो आई वॉज अपियरिंग फॉर वन सच एग्जाम. तो 3 घंटे का इंटरनल एग्जाम होता था और 100 मार्क्स का 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे. दे यूज टू बी 5 questions. तो हम पर्ची बना के ले जाते थे, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन के लिए पर्ची मैं भी बना के ले गया. राइट ओके. तो 10 बजे एग्जाम था, 9:40 पे क्या हुआ, एक इतना खड़ूस टीचर आ गया. ओके. राइट, कि यू नो माई प्लान ऑब्वियसली बैकफायर्ड. सो यू नो वॉट आई डिड, so I re-strategized, I quickly and calmly moved out of the examination hall. ठीक है, 30 मिनट्स के लिए मैं कैसे साइलेंट कोने में गया कॉलेज के, जहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को याद किया. जो क्वेश्चन मुझे पिछले 2 दिन में याद नहीं हो रहा था, मैंने उसे 30 मिनट्स में राइट अपनी पूरी एफिशिएंसी पे जाके उसको याद किया. गया मैं 100% आई क्विकली एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल 10 मिनट्स लेट. राइट, और मैंने फिर उसके की पॉइंट्स पीछे नोट किए, उसका डायग्राम सबसे पहले बनाया. So the point I'm trying to make here, ma'am, here is that if you put yourself in deadlines, you know, you can do wonders. और बच्चों ये चीज़ आपने शायद देखी होगी कि एग्जाम से पहले जब लास्ट 30 डेज में आप जिस तरह पढ़ते हो ना, अगर आपको मैं वही बोल दूं कि यार ठीक है आराम से पढ़ लो, स्टडी एट योर ओन पेस, तो आप खुद ही डिफरेंस फील करोगे. राइट, सो इसलिए मैम मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, और मैं भी ये किया करता था. इनफैक्ट जैसे मेरे एग्जाम को जब 3 महीने रह जाते थे या 4 महीने रह जाते थे, तो मैं ये सोचता था यार मेरी नेचुरल अंदर से तो यही आवाज़ आती थी कि ठीक है यार बहुत टाइम पड़ा है, तू कर लेगा 1-2 महीने में भी. राइट, नहीं तो देख लेंगे. तो मैं यही फिर अपने आप में बिलीव करता था कि यार अगर 1 महीना रह जाता तो मैं कैसे पढ़ता. एंड दैट इज व्हेन आई काइंड ऑफ इनफैक्ट ये चीज़ तो मैंने ना सर से भी प्रैक्टिकली भी सीखी है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बहुत काम होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल ऑल्सो आई हैव अदर थिंग्स ऑल्सो गोइंग ऑन. सो कई बार ना बहुत बॉकडाउन हो जाती हूँ, एंड आई थिंक कि यू नो मैं बोलती हूँ सर अभी कैसे होगा ना ये, मतलब
अब मैंने, क्योंकि आई एम वेरी फिनिकी अबाउट कि यार अगर सवाल ना मेरे पास 100 भी आते हैं, ये सर ने शायद देखा है, मैं उसमें चाहे जितना भी टाइम लगे मैं आई ट्राई टू पुल आउट द बेस्ट क्वेश्चंस, कि वो एक बैलेंस सेशन हो जिसमें हर तरीके का टेक्निक, हर तरीके का क्वेश्चन लिया जा रहा हो. तो मैं बोलती हूँ सर नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा. तो सर बोलते हैं एक काम करिए आप ना एक घंटा मतलब अपने ऑफिस में जाके बैठ जाइए और ऐसे सोचिए कि आपका एक घंटे के बाद पेपर है, आपका एक घंटे के बाद पेपर है, तो आपको ये फाइल देखनी है या जो भी काम करना है. एंड इट रियली वर्क्स. तो डेडलाइन में डाल के खुद को काम करना मज़ेदार तो होता है बॉस. सर बच्चे पूछ रहे हैं आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना मिल जाता है यहाँ पे? मैम जो बच्चों, मैम जो प्रमोशंस करती हैं कभी खाने की चीज़ों की, कभी बॉर्बन बिस्किट्स की, अलग अलग, उनसे काफ़ी सारे सूटकेसेस आते हैं, तो मैम एक सूटकेसेस नोट का मुझे भी दे देती हैं. वाह 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 वाह. तो सर आपको जवाब मिल गया होगा, वेरी नाइस. नाम मैंने सर को बोला, सर बोलते नहीं मिस्टर इंडिया मुझे पसंद आया, तो मिस्टर इंडिया ही रखना चाहते हैं वो. मैम बिल्कुल अच्छा है ना, कोई और चॉइस देना चाहते हैं? नहीं मैम, इट्स अ गुड नेम. इट्स अ गुड नेम, कांग्रेचुलेशंस. राइट. तो सर वो वाला आप बच्चों से किस्सा, वैसे मैं एक बार आपको बताऊं, फोकस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों के अंदर. तो एक बार इनफैक्ट हम लोगों की टीम की मीटिंग चल रही थी, तो सर ने एक बार ये किस्सा सुनाया कि सर वो क्या था, आप बोल रहे थे आप कॉलेज में बस में ट्रैवल कर रहे थे और यू नो आप नोटबुक से कुछ तो पढ़ रहे थे. एंड बच्चों ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज मुझे इंजीनियरिंग डेज मैम, ये इंजीनियरिंग का किस्सा है मैम. एमबीए में तो फिर कुछ अलग ही होता था. ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो बस में जाना पड़ता था और 1.5 घंटा का ट्रैवल लगता था. राइट. तो मैं नॉर्मली यही होता था कि यूज टू लीव अर्ली इन द डे, फिर पूरी क्लासेस लगती थी, फिर वापस आते थे काफ़ी थके हुए. देन आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर माई सेल्फ. राइट. तो मैं क्या करता था, कोशिश करता था कि बस में चलते चलते ही पढ़ाई कर लूँ. राइट. तो कई बार मैं बुक्स ले जाया करता था, मतलब व्हाइल आई एम स्पेंडिंग माई टाइम ट्रैवलिंग. राइट राइट. तो मैम मैं बुक्स लेके जाया करता था अपने साथ. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं पढ़ रहा था मैम, तो और कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि आप बिल्कुल, आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो चुकी होती है, आप पढ़ना नहीं चाहते बट फिर भी आप बुक्स खोल के आगे बैठे होते हैं और आप यू जस्ट ट्राइंग सो हार्ड. राइट. तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक भाई साहब बैठे थे, वो बोलते यार अब तो मुझे भी याद हो गया, अब तो पन्ना पलट ले. तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है ना कि मतलब किताबें खुली हैं, है ना, ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों लेसन मैम यहाँ से यही है कि यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो पढ़ाई, यू डोंट फिल योर एंटायर डे विद पढ़ाई. और मैं ये अभी के जेई के सेशन के, जिनका अभी सेशन शुरू हो रहा है 20th से, उनके लिए नहीं कह रहा, आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स हु आर हेयर फॉर द 22 बैच एंड 23 बैच. राइट. सो पढ़ाई इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड नॉट फिल इन मोर देन 40-50% ऑफ योर डे. राइट. आपको बाकी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इंसान कितना कुछ करना चाहता है. राइट. तो मैम इससे मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है. किस्से पे किस्सा, किस्से पे किस्सा. अरे मैम तैयारी करके आया हूँ पहली बार. और क्या. ओके. कि बोलिए ना सर. कि मैम एक एज अ स्टूडेंट आप कितना कुछ करना चाहते हो. राइट. यू वांट टू काइंड ऑफ लेट से डू गेमिंग, जिमिंग करना चाहते हो आप, हॉलीडेइंग जाना चाहते हो, ट्रैकिंग जाना चाहते हो आप, स्कूल जाना है आपको, आपको अपनी ट्यूशंस पे जाना है. राइट. आपको यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड्स, आपको सीरीज देखनी है, आपको मतलब क्या कुछ नहीं करना. राइट. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू वांट टू डू. बट अगर आप वो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, राइट, अगर वो मतलब बेसिकली वो सही कर लेते हो, राइट, तो आई मीन एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस. अगर आप बच्चों देखो बाकी सारी चीजें कर रहे हो बट अपनी पढ़ाई को डीप्रायोरिटाइज कर रहे हो, इफ यू आर जिमिंग, इफ यू आर वॉचिंग सीरीज, इफ यू आर काइंड ऑफ गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू ट्यूशंस, बट आप अपनी सेल्फ स्टडी को अगर प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, राइट, देन एवरीथिंग एल्स विल फॉल अपार्ट. बट अगर आप अपनी वो 2-3 चीजें, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में वो सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है, आई थिंक दैट इज दी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट डू. आप दिन में 4-5 घंटे भी अगर अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे रहे हो, राइट, देन आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस. राइट राइट. अच्छा आप बच्चे ना, आई गेस बड़े सारे बच्चे मेरे को कॉमेंट्स में भी सुबह कह रहे थे एंड आज भी, आपको आईफोन मिला कि नहीं मिला? मिला मैम. कहाँ है आपका आईफोन मैम? वो पड़ा है. तो लाइए अनबॉक्सिंग कीजिए, देखो एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि यू नो मतलब बोल दिया गया था ये चैनल पे कि आईफोन यू नो आईफोन 12 लूँगा मैं, आईफोन 12 लूँगा मैं. तो बिल्कुल सर एक बारी बॉक्स तो दिखा दो कि असली आईफोन ही है. बिल्कुल है, सच्ची का है,
सो बिल्कुल, तो बेटा मैम यूज करें या ना करें, सर आईफोन ही यूज कर रहे हैं अब, है ना? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये चीज मिल चुकी है आपको, तो उसके लिए बधाई हो. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. राइट, तो अब कुछ सवाल बच्चों के ये भी आ रहे थे कि मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे जो भी आपने काम किया है, जितना भी उससे आपने मतलब डिड यू लर्न समथिंग, व्हाट वर द लाइक, क्या ऐसे आपने सीखा मतलब इन द सेंस, या आपको बहुत सही लगा कुछ? मैम आई थिंक एवरी डे इज अ चैलेंज, और ऑब्वियसली इट्स अ हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट यू स्टिल हैव टू गिव योर बेस्ट एवरी डे, एंड यू हैव टू रीस्ट्रैटेजाइज, इवॉल्व, कीप ऑन लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, डू योर बेस्ट. मतलब बड़ी बेसिक चीजें हैं बच्चों, लेकिन ये जेन्युइनली हमें सीखने को मिलती हैं. राइट. तो यही बोलना चाहूंगा मैम. राइट. और एक और चीज मैम, आई थिंक दिस इज द लास्ट मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव बच्चों को. आई थिंक ज्ञान आज के लिए काफी हो गया है. राइट. कि चीज़ें ये, और बच्चों ओरिजिनल है ये, मैंने कहीं से इधर उधर से ऐसा नहीं है कि मार के मैं बता रहा हूँ आपको. दिस इज़ वन ऑफ माई ओरिजिनल थॉट्स, कि चीज़ें करना बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए. पढ़ाई करना एक डिसिप्लिन्ड वे में, सुबह उठना, ट्यूशंस जाना, सेल्फ स्टडी करना, राइट, बीइंग ऑन ट्रैक एंड काइंड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इज़ नॉट ईजी, राइट, स्पेशली फ्रॉम अ स्टडिंग परस्पेक्टिव. बट चीज़ें ना करना, ना पढ़ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. ये क्या बात हुई? क्योंकि मैम जब आप चीजें, जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हो, यू नो द प्रेशर्स दैट कम विद दैट, द एंग्जाइटी, द स्ट्रेस, द टेंशन, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप, मतलब आपके माइंड में हमेशा वो चीज रहती है कि यार मैं अपना 100% रहता है बेसिकली, राइट, मैंने ये नहीं किया, तो आप अपने बाकी बची चीज़ों को भी उस शिद्दत से इंजॉय नहीं कर पाते. मुझे लग रहा है अगर आप 3-4 घंटे भी एटलीस्ट, जैसे अगर आपके जो भी आप 11th में भी हो, 12th में भी हो, अगर 3-4 घंटे भी एटलीस्ट पढ़ लेते हो, सेल्फ स्टडी कर लेते हो किसी दिन, तो यू नो यू कैन एक्चुअली आप बाकी बचे हुए दिन से भी बहुत ज़्यादा निकाल पाते हो. राइट राइट. इनफैक्ट यू नो ऐसा एक और मैं बात कहूँगी, कभी भी ना खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है? ये मैं चीज़ हमेशा बोलती हूँ. इनफैक्ट कई बार होता है, एंड पता नहीं सर आपने भी ये चीज़ नोटिस करी या नहीं, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव आउट देयर ऑन YouTube या कहीं भी आप काम कर रहे हो, है ना? यार पर मुझे ना मज़ा आता है अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने में. मुझे आज भी याद है ये चैनल जब 1000 भी क्रॉस किया था सब्सक्राइबर्स, 10,000, 50,000, 20,000 जो भी, मैं उतनी हर बारी मतलब खुश थी, बिकॉज आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस. जब ये चैनल स्टार्ट किया ना, इट यूज़ टू बी लाइक बिल्कुल बिंदास कि हाँ यार ये करना है. तो आज भी मतलब लोग कहते हैं ना, 1 ही मिलियन तो अभी हुआ है इतने टाइम में, मतलब लोग तो 2, 4, 5, 7, 10 मिलियन पे पहुंच गए हैं. इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर दिन कुछ कुछ नया सीख रही हूँ एंड खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ. मैम मेरे को ये चीज, आई थिंक द बिगेस्ट की टेक अवे फॉर मैम आउट ऑफ दिस चैनल हैज बीन दैट शी हैज इंजॉयड एवरी मोमेंट. राइट. और मैं आपको बच्चों जेन्युइनली ये चीज बता रहा हूँ, जब 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो भी मैं मैम को जानता था, तो मैम वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. कभी ये फीलिंग नहीं थी कि यार ये तो इतना बड़ा चैनल है, या हमें इससे पैसे कमाने हैं, या मुझे कुछ ऐसा करना है. तो वो यू नो शी, वो जो अंदर से उसे खुशी मिलती है ना, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, तो वो एक मैम से बड़ी पॉजिटिविटी मुझे, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत सीखने को मिलता है. Right. और वो हैप्पी फीलिंग जो है ना मैम, इसीलिए शायद मैम मैथ्स को भी इतना हैप्पी फील करा पाती हैं, क्योंकि मैम जिस भी चीज़ को टच करती है ना, मतलब शी हैज़ गॉट दैट पॉजिटिविटी अबाउट हर. राइट. और मैंने बच्चों एक चीज़ और मैम से देखी है इनफैक्ट अबाउट हर, कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है ना मैम को, तो मैम आगे बढ़ जाती हैं. मैम बोलती हैं कि मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है. राइट. या तो वो मैं उसको गुस्सा करने में या नेगेटिविटी फैलाने में लगा सकती हूँ, या फिर आई कैन कंटिन्यू टू डू माई वर्क बेटर वॉट आई एम डूइंग. बिकॉज मैम यही बोलती हैं कि यार मेरे पास इतना काम है, आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. राइट. मैं रोज सेशन भी नहीं कर पाती अपने चैनल पे, सो व्हाई डू आई वेस्ट माई एनर्जी इन यूजलेस थिंग्स. राइट. इनफैक्ट ये सर मैं यू नो पार्क वाक से वापस आ रही थी मेरे घर के पास, जो आई नॉर्मली ट्राई टू गो फॉर वॉक. तो यू नो देर वॉज सम फीमेल है ना, जो सारा सेटअप वेटअप कर रही थी आसपास कुछ तो वीडियो का. सो आई जस्ट गॉट एक्साइटेड. वो होता है ना कि एक आप यूट्यूब कर रहे हो, आपको एक्साइटमेंट है कि यू नो क्या कर रहा है. एंड आई वेंट अप टू हर एंड यू नो एंड मैंने उनको कहा, अरे एक्सक्यूज मी मैम आप ये क्या. एंड शी वॉज लाइक, मुझे पता है बहुत काम में थी शायद, तो एकदम उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ लीव फ्रॉम हियर.
आई एम वर्किंग है ना. तो मतलब उन्होंने ना देखा कि कौन है कौन नहीं है. मतलब शी डिडंट इवन लुक. आई जस्ट सेड एक्सक्यूज मी मैम आप पे क्या कर रही हैं. आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड प्लीज लीव मी. तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड एक वॉक कर रही थी उसने मुझे बोला तू जाकर जवाब क्यों नहीं देती कि यार मैं भी मतलब कुछ तो मेरा भी नाम है या इन जनरल भी आप बात कैसे कर रहे हो. तो मेरा यार रिएक्शन यही था कि लिसन यार मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है. जो उसने कहना था कह दिया. टाइम नहीं है इतना. या तो मैं भैया उससे लड़ने में उसको सुनाने में लगा लूँ या मैं आगे पढ़ूँ मेरे पास बहुत काम है. राइट मैं जाकर इससे अच्छा एक सेशन कर लूँ. सो आई गेस ये माइंडसेट आपको रखना है. लोग कहेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे आप कुछ नया करोगे आप कुछ नया करने बैठते हो. इनफैक्ट कई लोग ऐसे हैं सर आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे जो कहते तो बहुत हैं कि मुझे ना यूट्यूब करना है मैं करूँगा या मैं करूँगी. मैम एक किस्सा मुझे और याद आया सर आप और आपके किस्से. तो बच्चों मैं मेरे ऑफिस में एक बड़े ही प्लेजेंट पर्सनालिटी है मिस्टर शिवेश झा. तो सर तो काम भी कर चुके हैं ऑफिस में. मैम कर चुके हैं का क्या मतलब है. ठीक है करते हैं. तो ही इज गॉट अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी 6.5 फुट के वेल बिल्ट एंड यू नो ही जस्ट लव्स टू ड्रेस अप. 6.5 फुट जी जी पता है ये कितना होता है. बिल्कुल पता है मैम मुझे. तो वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. तो मतलब वो मेरे से हाथ ऐसे मिलाया करते थे जैसे कि राइट. सो उनको सूट वूट डाल के आना और उनके बाल नहीं है और बिल्कुल तिखी ऐसे मूछें हैं. तो यू नो ही यूज टू काइंड ऑफ ड्रेस अप लाइक दैट एवरी डे. ही काइंड ऑफ विद अ वेरी शाइनी फेस ही कम टू मी एंड ही वॉज माई वेरी ही इज इन फैक्ट माई वेरी गुड फ्रेंड. तो वो कविता बहुत अच्छी करते हैं मैम. हास्य कविता राइट. और वो जब भी कुछ लिखते थे ना तो वो आके जरूर मुझे सुनाया करते थे राइट. और जब बच्चों वो आते थे ना तो मेरे डेस्क पे मजमा लग जाया करता था. तो 20-25 लोग आ जाया करते थे. हमारा काम भी ऐसा है कि मतलब पीपल ऑल्सो डोंट माइंड एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग योर वर्क सो नोबडी वुड माइंड वॉट यू आर डूइंग इन ऑफिस राइट. तो 20-25 लोग आ जाया करते थे और वाकई उनकी काफ़ी वाहवाही होती थी बिकॉज ही हैज रियली गॉट सम गुड टैलेंट राइट. तो मैं उन्हें मतलब कितने सालों से बोल रहा था मैम आपसे भी मिलने से पहले कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू करते जी. तो बस हाँ करना है मुझे मैं करूँगा. मतलब मैं जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने टैलेंटेड हैं बच्चों और आप में से भी राइट. जैसे हमारी इंटरेक्शंस होती हैं तो हम देखते हैं कि कई बच्चे हैं जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं राइट बट दे डोंट चैनलाइज देयर एनर्जी. तो मैम बच्चों मैम ने क्या किया. मैम ने बस अपनी जो पॉजिटिविटी थी अपनी जो एनर्जी थी अपना जो हुनर था उसको एक यूट्यूब चैनल के जरिए चैनलाइज किया और बिल्ड करती गई राइट. नहीं तो मैम भी एक ऑर्डिनरी मैथ्स टीचर ही होती हैं अभी भी किसी एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही होती राइट. बट मतलब एंड शी हैज बिकम सच अ बिग फेस शी हैज बिकम अ मिलियनियर ऑफ सॉर्ट्स राइट. मिलियनियर वो आप उन्हीं की बात कर रहे हो ना जो यहाँ पे बैग वैग आते हैं आपके अकॉर्डिंगली है ना. कि अंदर की बात बता रहा हूँ बहुत बैग आते हैं नोट भरे होते हैं उनमें. वाह जोक से पार्ट बच्चों ऐसे बच्चों. वाह 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 ऑसम ऑसम. तो अब बिफोर वी गो अहेड एंड केक जो बेचारा ऑलरेडी रायता उसका बन चुका है उसको मैं, भी मैं फिर यही शिवेश झा जी के पॉइंट से यही बताना चाहूंगा जैसे कि यार मैंने करना है मैं शुरू करूंगा पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे हैं. तो बच्चों आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मैं सिर्फ ये बोलता हूँ यार अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे रखो और फिर कुछ करो ना यार ऐसा कुछ सीखने को तो मिलेगा. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग दुनिया में क्या करते हैं यार कि भाई एलोन मस्क था है उसकी स्टोरी पढ़ते रहेंगे देखो उसने क्या अचीव कर लिया 20 साल पहले या पता नहीं $100 से शुरू हुआ था या ये हुआ था ऑब्जर्व ही करते रहते हैं लोगों को. यार बी अ डूअर रादर देन बीइंग जस्ट एन ऑब्जर्वर राइट. और ऑब्जर्व करके सीखो और कुछ करने की कोशिश करो यार अगर फेल भी हो जाओगे तो कितना कुछ उसे सीख के जाओगे. एंड यू नो अर्ली इन योर करियर यार नोबडी वुड माइंड अगर आप फेल भी हो जाते हो तो उसमें कोई बुरा मानने वाली भी बात नहीं है. बिकॉज यू नो एज यू गेन एज जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं वैन यू आर लाइक 30, 35, 40 एंड देन वैन यू स्टार्ट थिंग्स एंड देन वैन यू फेल तो लोग बहुत आसानी से आपको सुनाते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट यू नो टू चैनलाइज एनर्जी. बट यू आर सच अ यंग एंड स्मार्ट जनरेशन राइट यू मस्ट ट्राई एंड डू समथिंग राइट. तो बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी एज क्या है. तो मैं नहीं पूछ रही बच्चे पूछ रहे हैं सर. मेरी एज हाँ जी सर. सर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बना दीजिए सॉल्व करते रहेंगे अगले क्वेश्चन मैम. ये भी सही है. अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक फटाफट से एक सेकेंड सर ये ज़रा ले आएंगे आप है ना. ये ओके आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सर आप वापस आ जाइएगा.
हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अगर आप ये मैथमेटिकली इंक्लाइंड के अमेजिंग अमेजिंग गिव अवे जो हम कर रहे हैं आप यू नो ये देना चाहते हो, आपको सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना है वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कि आई एम नेहा मैम्स आर्मी, आई एम नेहा मैम्स आर्मी, एंड खुद की डीपी को कर लेना है नेहा मैम्स आर्मी एंड बताना है बिकॉज जो भी आपकी फीलिंग है ना, जो भी आपकी रियल वाली फीलिंग है, तो आई एम नेहा मैम्स आर्मी बिकॉज ये डेफिनेटली बताना है एंड आई विल बी सिलेक्टिंग 10 सच नेम्स जिन तक पहुंचाया जाएगा ये, तो आपको टीम रीच आउट करेगी. यू नो इट्स लाइक अ फन गेम राइट एवरीवन, जो भी आप दिल से चाहते हो. इस लोगों के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के जाना है नीचे, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, ये तो स्टक हो गई है, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो इस वीडियो के नीचे जाना है एंड यहाँ पे यू विल फाइंड लिंक ट्री. वैसे एक बात बता दूँ सर, ये भी आपको वो देना बनता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सर ही डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो ये लिंक ट्री पे आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नेहा मैम्स आर्मी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है. तो इसको अपनी डीपी बनाना है एंड फिर लिखना है आई एम नेहा मैम्स आर्मी बिकॉज वट एवर यू फील या वट एवर योर फील. ओके एंड सर आज आई गेस मैं नहीं, आज आपको सर बताएंगे. सर आइए प्लीज़ बताइए इस रिसोर्स के बारे में, क्योंकि ये सर ने ही एक्चुअली डिज़ाइन किया है. सो आई थिंक ओवर टू यू मैम. बच्चों अगर आप इस लिंक पे जाएंगे tinyurl.com/letskilljee, मैम बता तो आप ही दीजिए क्योंकि राइट राइट. सो यहाँ पे इनफैक्ट मैं टाइप करके दिखा देती हूँ, है ना जी. सो टिल दैट टाइम यू एंजॉय द लाइमलाइट. कैसा लग रहा है आज आपको मैम? लगना कैसा है, वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है मैम. Let's. और बच्चों मैं फिर से ही, जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, एक तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए एंड बिकॉज यू नो ऑल द गुड वर्क, हैट्स ऑफ टू नेहा मैम फॉर ऑल द गुड वर्क दैट शी इज़ डूइंग राइट एंड हर पॉजिटिव एटीट्यूड. शुक्रिया सर. एनीवे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे ये सब बोलने के लिए. ओके जी सर, बिल्कुल सूटकेस भर के जी. आप चिंता मत कीजिए. ओके, सो यहाँ पे अगर आप जाते हो tinyurl.com/letskilljee, तो इसके नीचे एक तो आपको यार 2018 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, तो हर चैप्टर में से कितने सवाल पूछे गए वो आपको चैप्टर वाइज पता चल जाएगा, प्लस एन ऑसम ऑसम रिसोर्स जिसके अंदर यार आपको यूनिट वाइज, इनफैक्ट ये अपने जूनियर्स को भी बताना, अगर कोई 22-23 का बच्चा देख रहा है, NDA का बच्चा देख रहा है, CBSE का बच्चा देख रहा है, ठीक है, उनके साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि इसमें बाकी प्लेलिस्ट भी आपको मिलेंगी. हर वीडियो के नीचे यार आपको क्लिकेबल वीडियोज़ के लिंक है, ठीक है. तो यहाँ पर यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द नेम ऑफ द वीडियो टू प्ले इट. तो आप डिसाइड करोगे, ये नहीं कि PDF है तो आज भैया 4 घंटे हम वीडियोज़ ही देख रहे हैं, नहीं, आप डिसाइड करोगे अगर वो आपके टाइम टेबल में बैठता है कि फॉर एग्जाम्पल आप रिवाइज करना चाहते हो स्ट्रेट लाइंस, मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस, आप रिवाइज कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स के साथ, साथ साथ अर्बन कंपनी से भी कुछ चीज़ें मंगा सकते हो, ठीक है. मजाक कर रही हूँ. ओके, एंड हर वीडियो के नीचे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है. हर वीडियो के नीचे मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उस वीडियो की PDF मिल जाएगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, NDA अभ्यास के क्वेश्चंस एंड अ लॉट मोर. तो डेफिनेटली इसको जाकर वो करो, है ना, बिल्कुल मतलब एक्सप्लोर करो. यानी यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम केक का तो RIP हो गया, बिल्कुल सही बात है सर, केक तो काटना बनता है बॉस. आ जाओ. मैम ने केक को कोरोना को मारने के चक्कर में केक को ही मार दिया. केक शर्म के मारे पानी पानी हो गया आज. केक आ जाए, ऊपर आ जाए. आब्रा कडाब्रा दाब्रा कजू.
चॉकलेट केक आ जा तू. ओके तो चलिए ये इसको हम कट कर लेते हैं. ठीक है. सो हैप्पी बर्थडे मैथमेटिकली इंक्लाइंड, हैप्पी 1 मिलियन टू मैथमेटिकली इंक्लाइंड एंड मेनी 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 मोर टू मैथमेटिकली इंक्लाइंड. इसके बाद जो JEE 21 के बच्चे हैं उनको बता दूं कि कल और परसों कौन से बहुत इंपॉर्टेंट वाले सेशन आने वाले हैं. नहीं चाकू से तुमको डरा नहीं रही, बता रही हूँ सिर्फ. सो इसको हम काट लेते हैं जो बेचारा ऑलरेडी रायते की तरह फैला हुआ है. ठीक है जी. तो हा हा वाह 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 वाह. चलो बच्चों आ करो, सबके सब, सबके सब आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो. बेगा बेगा आ, सबके सब आ लिखेंगे. चलो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ये कोरोना फ्री केक जी, जी, है ना. मैंने हाथ सैनिटाइज किए हैं तो मैं जरा हाथ धो के खाऊंगा. बिल्कुल. चलो आप ये ले जाइए, पड़ोसियों में भी बांटिए, पूरे गांव में बांटिए, मोहल्ले में बांटते हैं, पूरे बच्चों में बांटते हैं, पूरे शहर में बंटवा दें मिठाई, है ना, पूरे गांव में बांट दो. हाँ जी बिल्कुल, गली गली में शोर कर दो. जी जी. हाँ मैम का चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच गया. बिल्कुल, हम तो खुश हैं भैया, हम तो बहुत खुश हैं. राइट. एंड इस खुशी को मना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं. एंड आपकी पॉपुलर डिमांड पे आज हो चुका है फेस रिवील. तो सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर. जितने भी लोग हैं बेसिकली यू नो ही इज़ हैंडलिंग ऑल ऑफ देम, ही इज़ हेल्पिंग आउट. तो एक टीम की तरह है. आई होप सर कि हम फ्यूचर में ये कोरोना, ये देश कोरोना फ्री होता है तो बाकी के टीम मेंबर्स को भी इस तरह लाइव ला सकें. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. ये दिल से दुआ है. तो हैट्स ऑफ टू द इंटायर टीम. आई नो छोटू सी टीम है बट बहुत ही मेहनती वाली टीम है. एंड आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि यार ऐसा है. एंड आई होप कि हम कई जिंदगियों को इस तरह बदल सकें, मतलब एक डेल्टा भी चेंज कर सकें, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मैथ्स की तरफ जगा सके. आई गेस बस मतलब मुझे ऐसी फीलिंग होगी निर्वाणा अटेन कर लिया है. नहीं मैम, मैं आई आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू एंड ऑब्वियसली कंग्रेचुलेट यू, बिकॉज बच्चों ये मैम की भी, मैम की ही एनर्जी है, एक जज्बा है, एक जैसे पैशन होता है ना, एक वाकई में एक विजन है जो कि यू नो शी केप्ट ऑन वर्किंग टूवर्ड्स दिस. बिकॉज रस्ते में बहुत मुश्किलें आई क्योंकि काफ़ी दूर से, तो मैम को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, बहुत मुश्किलें आई यू नो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव्स एंड यू नो कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव. देर यूज टू बी लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट आपने कभी मैम को नेगेटिविटी फैलाते हुए नहीं देखा होगा. राइट. शी विल ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स. तो ऑब्वियसली जर्नी, जितनी जर्नी में क्योंकि अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, बट कभी शायद आपने मैम को नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा होगा. और ये चीज़ मैम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. तो आई मीन पता नहीं स्ट्रेंथ है या क्या है, लेकिन नहीं मैम, मैंने लाइफ में भी आपको कभी भी ऑफ कैमरा भी कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना. कभी नहीं सुना बच्चों. तो मैं एक फंडा बोलूंगी कि यार बहुत लोग सर कह रहे हैं कि आप YouTube पे थोड़े से, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं कुछ यू नो ऐसे हूँ वैसे हूँ, जब थोड़े से भी आपको विजिबिलिटी मिलती है तो बहुत नेगेटिव चीज़ें आती है, बहुत कुछ कहा जाता है. ये भी कहा गया कि भैया ये तो ट्रिक्स कर देती है, हर चीज़ 5 सेकंड में सॉल्व हो रही है, 10 सेकंड में सॉल्व हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पे ऐसा. जबकि मैं कभी भी नहीं कहती यार, मैं खुद टीचर हूँ, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, है ना. तो कौन सी, यस सर बिल्कुल प्रॉपर मास्टर्स हूँ मैं मैथमेटिक्स में. तो यार मैं पूरे दिल से अच्छे से पढ़ा रही हूँ, है ना. पर कहा जाता है ये तो ट्रिक्स बता रही हैं, ये तो ऐसे कर रही है, ये तो वो कर रही हैं. मेरा वो होता है कि यार भैया लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी. ठीक है. तो जो भी है सिंपल सा फंडा है. एंड इतना टाइम नहीं है कि इतनी नेगेटिविटी के बारे में सोचा जाए. एंड जो दुआ करते हैं उनको भी दिल से सलाम, जो नहीं करते उनको भी दिल से सलाम, क्योंकि आप एक्चुअली मुझे मोटिवेट करते हो और ज़्यादा बेटर बनने का. एंड बिलीव मी और नॉट, आप अगर नहीं भी पसंद करते मैं तब भी आपके जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं हर इंसान से यार कुछ सीखना चाहती हूँ. राइट. डेफिनेटली. तो बच्चों मैं एक और इंसिडेंट मैम के बारे में ही बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी कुछ बोल देते हैं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. तो मैम जब कई बार कुछ वीडियो देख रही होते हैं ना, एंड शी कम्स अक्रॉस इट, तो वो उसमें भी यही देख रही होती हैं कि यार ये इसका ये कितना अच्छे से ये पॉइंट कितना एक्सप्रेस कितना अच्छा करता है. Right, so she has that knack about her that she'll always look for positive things in people, and I think that's why she's such a happy person, right? And she's not just a happy person on the camera; she's just a happy person off the camera as well. So, which is an amazing quality, ma'am. Or genuinely, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपने बलबूते पे,
राइट ऐसे माइलस्टोन अचीव करते हैं. मुझे तो लेटेस्ट याद आ रहा है जब मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस को इतना ट्रोल किया जाता था कि एक एक घंटे की स्ट्रैटेजी बना रही है. भाई आप चैनल पे आइए, पूरा चैनल देखिए. अगर एक घंटे की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ तो मैं चार चार घंटे खड़े होकर पढ़ा भी रही हूँ. ठीक है, तो मतलब आइडिया ये है कि यार जब आप मैथमेटिकली इंक्लाइन से जुड़े हो ना, आप एक नए वाइब से जुड़े हो. तो जब हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम ना टाइम का यार ध्यान नहीं रख पाते. ये मेरी एक वीकनेस है जब मैं बात करने पे आती हूँ, क्योंकि यूँ तो हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन बोलते हैं तो फिर चुप होते नहीं. समझ रहे हो ना. सो बच्चे कह रहे हैं अकेले अकेले केक खा रहे हो, गलत बात है. बेटा सर ऐसा है, किसी को नहीं मिलेगा, आप अपने लिए अलग ऑर्डर कर लीजिएगा. ठीक है, ये केक का रायता तो हम ही खाएंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच पीपल. अच्छा हाँ, कल के सेशन बता दूँ बेटा, हाथ तो बस मैं क्या ही बोलूँ. ओके, कल के लिए यार जेई वालों के लिए बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सर. इसके बाद आप प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिएगा. टॉपिक का नाम है जेई मेंस में ऐसे कौन से टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे टॉप 10 टॉपिक्स जिसको सिर्फ ज्ञानबाजी नहीं करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. एंड एक और कहानी में ट्विस्ट है सर. ये ना सवाल ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि ये 10 टॉपिक हैं और 10 लेटेस्ट क्वेश्चंस उठाएं और कर दिया. नहीं, इस पे यार टीम पिछले आई थिंक 4 दिन से लगी हुई है. वी हैव एक्चुअली पुल्ड आउट सच क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स. तो बिल्कुल आप यार हर स्पेक्ट्रम का यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि यू नो सो एंड सो चैप्टर में से क्रेमर्स रूल बहुत आता है, तो ऐसा नहीं है कि 2021 में आया, 20 में आया, 19 में आया, हमने मान लिया कि क्रेमर्स आता है. नहीं, वो 2010 का भी सवाल होगा, वो 2015 का भी सवाल होगा. इट्स गोइंग टू बी दैट वे. सो पिछले 10 सालों के पेपर्स को एनालाइज करके आई हैव पिक्ड आउट 10 सच मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड ऐसे या कह सकते हैं मोस्ट आस्ट, जिसको कहते हैं ना मोस्ट एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ से हमको मिल रहे होंगे. उसके बाद आपके शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स फॉर 60+ आने वाले हैं. नाउ इट इज़ नो क्लिक बेट कि भैया एक सेशन कर लेंगे तो हम 60+ आ जाएंगे. नहीं यार, ऐसा नहीं होगा. हम मतलब ऐसे टॉपिक्स कर रहे होंगे जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 60+ से ज़्यादा मतलब 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स यूजुअली जेई में आते हैं. राइट, तो मेरे हर थंबनेल के हर इवेंट के पीछे एक बहुत डीप थॉट जाता है एंड उसी के बाद ये सामने आता है. ठीक है, सॉन्ग सर आपको कौन से फेवरेट सॉन्ग है, बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं. हर घड़ी बदल रही है जिंदगी. थैंक यू सो मच मिलन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल. तो बच्चों आप भी बन सकते हो मेंबर ऑफ द चैनल टू सपोर्ट इट. तो यहाँ पे जब आप चैनल पे जाते हो ना, आपको ज्वाइन का एक बटन दिखता है, डेफिनेटली आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट मैंडेटरी. तो चैनल स्टेज फ्री बच्चों. एब्सोल्युटली, चैनल तो फ्री था, फ्री है. एंड दुआ यही करते हैं कि यार फ्री रहेगा, इसी तरह हम बच्चों के दिलों तक पहुंचते रहेंगे मैथ के जरिए. राइट एवरीबडी, ओके. सॉन्ग सर आप ही सॉन्ग गा दो ना फिर, आपका फेवरेट ऐसे बोल रहे. नहीं मैम, ऐसे ऑलरेडी आज लेकर आ गए हो, मैं ऐसा नहीं करेगा बार बार. और बच्चों मेरा आईफोन भी आ चुका है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जैसे अब आप इसका फीचर्स बताएंगे. जी जी बिल्कुल मैम. अच्छा, तो नया आईफोन आ चुका है. थैंक यू वेरी मच मैम. तक लिया खलास. राइट, चलिए थैंक यू सो मच. तो कल के इस सेशन में हम मिल रहे हैं. बाय बाय. हाँ सर आप बाय आराम से कर दीजिए, फिर बच्चे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा. जी जी बिल्कुल मैम. नहीं नहीं, तो बच्चों हम मिलेंगे 2 मिलियन पे. सर ये थोड़ा ज्यादा नहीं, चलो 1.5 मिलियन पे. अच्छा, ज्ञान देते रहेंगे बच्चों पीछे से. ठीक है, पीछे मैम. ठीक है, तो सर मतलब पहले तो आज तक यही कहते थे. एंड इनफैक्ट कई बच्चे जो कहते हैं ना कि आज तक आप नहीं लाए, या मेरी तो सच में दिल से ये दुआ है कि मैं अपने हर टीम मेंबर से आपको मिलवा सकूं. सो लेट्स होप कि करोना को बाय बाय कहें हम एंड आपको एक्चुअली टीम मिल सके. पूछिए ना सर. लाइक्स तो बनते हैं बच्चों. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर वापस आ जाइए, वो कह रहे हैं. ओके, और कोई सवाल पूछना चाहोगे बच्चों? Right before we wrap up the show, yeah. Before we wrap up the show, हाँ इस वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट चाहिए. I am Neha Mam's Army because जल्दी से बता दो बच्चों. Yes, okay. मैं questions थोड़े से वो करती हूँ जो सुबह भी मैंने पूछे थे.
हाँ, मिस्टर इंडिया वाला तो सवाल बहुत बार आ चुका है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता चुके हैं. ओके, और क्वेश्चंस देखती हूँ मैं, एक मिनट देख लेते हैं बिफोर हम अलविदा कह दें दोस्तों. अच्छा मैम ये बताइए कि आप 1.5 मिलियन पे मुझे क्या देने वाली हैं? 1 मिलियन पे तो आपने आईफोन दिया. सर किडनी ले लो मेरी, ले लो. नहीं नहीं किडनी ले लो आप. मैं यही सोच रही हूँ कि 1.5 मिलियन तक रहेंगे मेरे साथ, मतलब. मुझे गाड़ी ले. सर ऐसा तो नहीं है, बच्चे वैसे कुछ लिख भी रहे थे कि सर को ऑफर आने शुरू हो गए होंगे. आंसर पता चले निकल लें हैं, बोले कि भैया मेरे को तो कई ज़्यादा मिल रहा है, मैं तो जा रहा हूँ. ऐसा तो नहीं करेंगे सर, पक्का ना? ओके ओके, राइट राइट, लेट्स सी. ओके, हाउ डिड सर जॉइन यू? आई गेस ये सब बता चुके हैं ना कि काफ़ी एक्टिवली एक पिछले एक साल से काम कर रहे हैं. ठीक है सर, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते इंडिया के तो आप भी ऐसा ही रायता फैलाते जो अभी फैला था कुछ दिन पहले. बिल्कुल नहीं मैम, मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं ऑब्वियसली बच्चों को हेड्स अप देता और बहुत ही स्मूथली ये चीज़ें कंडक्ट करवाता. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता मैम. ऐसा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करता मैम, बिल्कुल. मतलब देर इज़ अ सीरियस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द वे थिंग्स हैव बीन हैंडल्ड. और लास्ट मिनट सरप्राइजेज और ये सब, आई मीन दीज आर नॉट वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो बच्चे ऑलरेडी इतने प्रेशर में, इतनी टेंशन में हैं, उनके लिए यू नो इफ आई वर एट देयर पोजिशन आई वुड नॉट हैव बीन अ हैप्पी किड. सो सो हाउ हैप्पी आर यू टू बी मैथमेटिकली इंक्लाइंड? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी. जी जी सर, एब्सोल्युटली क्या बोलना पड़ता है? एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी. ओके, ऐसा जी, ऐसा आपके घर पहुंच जाएगा वो बैग जिसकी बात हो रही थी? मैं ले जाऊंगा सर. बोलने की जरूरत नहीं होती है, ऑब्वियस होता है वो. एनीवे, सो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड थैंक यू सो मच सर. आप जाके काम पे, अब आप जाके काम पे लगिए, कल के इवेंट की बहुत काम करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते. चलिए, थैंक यू सो मच माय आर्मी, एंड दिल से शुक्रिया है आप लोगों का. मिलूंगी कल भी रात 9 बजे, हमारी पढ़ाई वैसे ही चलती रहेगी. सर वो आपका काम था, मेरा नहीं. ठीक है, एंड इसी तरह आज चलिए बच्चों, वीडियो क्लोज से पहले 15,000 लाइक्स आज तो बनते हैं. बिल्कुल बनते हैं, मैं तो कह रही थी 20, चल चलिए ना आपकी ना मेरी 15,000 पे बनाते हैं. राइट, सो डेफिनेटली मैं आपसे कल मिलूंगी. देखिए पढ़ाई चलती रहेगी, एंड अब तो जेई वालों को एक नई लाइफलाइन मिल गई है ना, फोर्थ अटेम्प्ट आपका और शिफ्ट हो गया है, हम इसी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे. एनडीए वालों, सीबीएसई वालों, जस्ट स्टे ट्यून्ड ये चैनल. इसी तरह से जितना मुझसे होता रहेगा ये काम करते रहेंगे, यू नो. सो आई होप यू विल कंटिन्यू टू इन्जॉय दिस सॉन्ग. सॉन्ग कौन सा दिल, सॉन्ग कौन सा सुनोगे? कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए. ये क्या हो गया? डूब तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए या मरिए. ओके, सो चक दे इंडिया एंड चक दे माय आर्मी, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर डुपर डुपर सुपर सून. टिल दैट टाइम मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. ठीक है जी, ठीक है जी. बाकी पता है ना तुम्हें, राइट पता है ना तुम्हें, आई एम नेहा माम्स आर्मी बिकॉज, एंड फटाफट से इसको लिख देना. चलिए इसी तरह मिल के मचाएंगे, आग लगाएंगे, साथ में चल के पेपर बूम फोड़ के आएंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी. चलो अब जाओ जाके पढ़ लो, बाय बाय.